नमस्कार, मैं हूं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बिलारी विधानसभा में। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग यहां पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में कौन मुख्यमंत्री होगा। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार आनी चाहिए जिसने जो है अच्छा काम किया है। किसने अच्छा काम किया है? अखिलेश सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी स्कीमें जो है आम आदमी के लिए नहीं पहुंच पाई। अच्छा, मेरे हिसाब से उनके नेताओं ने थोड़ा सा डाउन काम किया। अच्छा, इस वजह से जो आम आदमी है उन्हें वो सुविधाएं जो नहीं मिल पाई हैं, उस वजह से उसका गुस्सा जो है उन्होंने पब्लिक पे उतारा। अच्छा, इस वजह से जो सरकार गिरी है। नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। 2022 में क्या लग रहा है, आप किसके साथ जाएंगे? कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है, उत्तर प्रदेश का भला कर सकता है? अखिलेश यादव भी कर सकता है हमारे यहाँ का भला, और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, योगी जी ने जो काम किए हैं चार साल, योगी जी ने जो काम किए हैं, लेकिन वही स्तर पर बेरोजगारी आ गई। आप पब्लिक जो है बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वो निकालते हैं, क्या नाम है, ये नौकरियां निकालते हैं, उसके बाद अपने आप ही कुछ लोगों से स्टे लगवा देते हैं, वहीं के वहीं आ जाते हैं। बेरोजगारी जो है 90% पहुंच गई है, बेरोजगारी 90% बढ़ गई है। लेकिन अभी लॉकडाउन में क्या सुविधाएं मिली हैं? कुछ नहीं मिली हैं। आपने कहा सिलेंडर फ्री मिलेंगे, लेकिन 875 रुपये का सिलेंडर कर दिया, उस फ्री का क्या फ़ायदा जो अब इतनी महंगाई है? तेल का क्या फ़ायदा, आपने तेल बढ़ा दिया उधर। नहीं, अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि आने वाली अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। नहीं, इस पाँच साल में तो पिछले पाँच साल में पिछले पाँच साल में भी उन्होंने यही कहा था मोदी और योगी सरकार ने कि हम आपकी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। जब वो इस पिछले अपने जो मौजूदा हालात हैं इस पाँच साल में कुछ नहीं कहा, तो आगे को क्या वो है 100% श्योर के वो करेंगे। अच्छा, आप किसके साथ जाएंगे? हम समाजवादी के साथ जाएंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ के लोग किसको चुनेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, आने ये जो पाँच साल जो है योगी सरकार के जो गुजरे हैं, तो जब ये सरकार बनी थी तो सोचा था कि ये काम जो है बीजेपी सरकार बनी है अच्छा काम करेगी, मगर कोई अच्छा काम नहीं हुआ सिवाय बेरोजगारी के। बेरोजगारी जो है बड़ी है, और पब्लिक जो है जो बाहर काम करते थे वो लोग सब लॉकडाउन में घर पे आ गए हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो है परेशान है, किसानों को सुविधा नहीं मिल रही है। किसानों वो तो बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से नौकरियां नहीं दे पाए, आने वाली सरकार अगर फिर से हमारी सरकार बनती है तो हम लोग नहीं, तो वो क्या नौकरी दे पाए? बच्चों को जो है उन्होंने स्कूल और बंद करा दिए, कोरोना के उसमें स्कूल बंद करा दिए, जबकि अपनी सभाएं उन्होंने बंद नहीं की। इलेक्शन जगह जगह हुए, वहां पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई, तो कोरोना नहीं हुआ, और स्कूल आज भी बंद है, बच्चों का भविष्य जो है पूरा एक तरह से नष्ट हो चुका है इस सरकार में। अच्छा, वो अभी योगी आदित्यनाथ फिर एक कानून लेके आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो बच्चों का जब उन्होंने खुद ने शादी नहीं की है, जब उन्होंने खुद ने शादी नहीं की है तो वो बच्चों का जो है दर्द क्या समझेंगे? अच्छा, वो तो यही कहेंगे कि कोई शादी मत करो। आज तो दो बच्चों का लेकर आगे हो सकता है कि वो ये कहें कोई शादी ना करो, मतलब उनके बच्चे नहीं है तो वो दूसरे का दूसरे अभी क्या भला सोचेंगे, क्या दर्द समझेंगे वो दूसरे का? क्या लग रहा है चाचा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। इस सरकार ने तो इतना दिमाग खराब कर रखा है कि प्रशासन को इतनी छूट दे रखी है, महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, आदमी क्या करें, मजदूरी बिल्कुल कारोबार व्यस्त कर रखा है, जनता इससे दुखी हो चुकी है सरकार से। अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ आप जाएंगे? जी जी जी। क्या ऐसा, मतलब अखिलेश यादव में क्या ऐसी खूबियां हैं जो अखिलेश यादव में इतनी खूबी हैं कि पढ़ रही हैं, उनने स्कूलों में इतनी बेहतरीन कराई, और पढ़ने वाली लड़कियों को लैपटॉप दिए, और जनता के लिए, विधवाओं के लिए उनने पेंशनें बनवाई, बहुत सी इतनी सेवाएं चलाईं, जैसे नरेगा की सरकार, नरेगा योजना चलाई, माँ माया चलाई, ये सारी अखिलेश की खूबियों की बात है जो जनता ने कारोबार करा। आज जनता हाथ पे हाथ रख के बैठी है, आज क्या करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगी, और तो और बच्चों के स्कूल और बंद करा दिए। अच्छा, वो जैसे आपने बोला कि योगी सरकार सही नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं हमने किसानों के लिए किसान निधि के द्वारा, तो किसान ही है दुनिया में, मजदूर थोड़े ही है, सब किसान ही है, किसान निधि के किसानों से ज्यादा मजदूर आदमी है जी, इतना किसान नहीं है जितना मजदूर है। मजदूर आप बोले क्या बोले?